हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इथेनॉल। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें से इथेनॉल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इथेनॉइक एसिड की। तो देखिए, जो नाम है इथेनॉइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC नोमेनक्लेचर है, ये इसके ही रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो इसका कॉमन नेम है, कॉमनली यूज किया जाता है जो नाम, दैट्स एसिटिक एसिड। तो हमेशा याद रखें कि इथेनॉइक एसिड को कॉमनली क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, इथ मतलब दो कार्बन्स, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑइक एसिड, ऑइक एसिड कब लगाते हैं, जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हमारे लिए आ गया ऑइक एसिड के लिए। और यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम तीन हाइड्रोजन्स मार्क कर देंगे, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH3COOH। तो CH3COOH हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, इथेनॉइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, विनेगर। विनेगर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सिरका, विनेगर होता है। यहाँ पे हमारे पास 5-8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। अगर पानी में एसिटिक एसिड कितना कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे 5-8%। अगर हम 5-8% ऐड करते हैं एसिटिक एसिड का वाटर में, तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है विनेगर। अब इसके बाद है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, इट इज प्योर एसिटिक एसिड। ये प्योर एसिटिक एसिड है, प्योर मतलब इट इज फ्री फ्रॉम वाटर, वाटर नहीं है इसमें। सो व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इट इज प्योर एसिटिक एसिड दैट इज फ्री फ्रॉम वाटर। अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये नाम कैसे पड़ा, कि क्यों इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये मेल्ट करेगा 17 डिग्री सेल्सियस पे, विच मीन्स कि अगर 17 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो उस टाइम पे ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको एज सॉलिड। देखिए मेल्ट कर रहा है 17 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 17 से पहले सॉलिड होगा तभी तो मेल्ट करेगा ना, तो मतलब ये चीज हो गई 17 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे हमारे नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है दैट्स अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर से भी नीचे है ये तो 17 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट हैपेंस, जो बहुत कोल्ड कंट्रीज हैं जहां पे 17 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है, टेम्परेचर है, नॉर्मली बिलो चला जाता है उस टाइम पे, तो ये जो एसिड है, एसिटिक एसिड तो सॉलिड फॉर्म में मिलता होगा, आइसी लगता है बिल्कुल, ये देखने में बर्फ जैसा लगता है, क्योंकि ये आईसी होता है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए यहाँ आईसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्लेशियल। सो इसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो आप क्या लिख सकते हैं, दैट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 17 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स इट इज सॉलिड बिलो 17 डिग्री सेल्सियस एंड लुक्स आईसी, और आईसी लगता है दैट इज ग्लेशियल। तो यहां से इसका नाम आ गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। After that, effect on litmus. Litmus पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा, ये टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड। नाम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिड है ये, एसिड है तो डेफिनेटली इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। लेकिन याद रखिए दैट इट्स अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बट यस इट इज हैविंग दोज एसिडिक प्रॉपर्टीज जिसके कारण ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। लेकिन अगर हम कहें कि मिनरल एसिड दैट इज HCl हो गया, या हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। और ये चीजें तो हम हमारे सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में ऑलरेडी
डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वही रीजंस हैं यहाँ पर भी कि क्यों ये वीक एसिड है। वीक एसिड होने का कारण क्या है? इट डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू ऑयंस। क्योंकि ये ऑयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, इसलिए कम ऑयल्स होने की वजह से जो इसका एसिडिक करेक्टर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये है देखिए हमारे पास कि आयुपैक नेम क्या है, इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, स्ट्रक्चर देखिए CH3COOH। तो बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है और विनेगर किसे कहेंगे, 5-8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। तो क्या आप विनेगर का मुझे एक यूज सोचकर बता सकते हैं कि आप सोच सकते हो एनी यूज ऑफ विनेगर? विनेगर को कॉमनली यूज किया जाता है प्रेजर्वेटिव की तरह, इट इज यूज्ड एज प्रेजर्वेटिव नॉर्मली इन पिकल्स, अचार में इसे प्रेजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। आप देखते ना कि जब भी अचार बनाते हैं पिकल्स, अचार बनाने के वक्त उसमें सिरका ऐड करते हैं, विनेगर ऐड करते हैं, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे ये ज़्यादा होने नहीं देता, जिसकी वजह से जो अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो विनेगर है बहुत ही अच्छा प्रेजर्वेटिव है पिकल्स के लिए। देन नेक्स्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बेसिकली हम प्योर एसिटिक एसिड को कहते हैं विच इज फ्री फ्रॉम वाटर। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम, तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका जो लुक है दैट्स क्वाइट आइसी, और इस वजह से इसे नाम दिया जाता है ग्लेशियल। देन इफेक्ट ऑन लिटमस, क्योंकि ये एसिड है इसलिए ये टर्न करेगा ब्लू लिटमस को रेड। अब ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल। इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ, तो बेसिकली ये रिएक्शन है, देखिए इथेनॉइक एसिड क्या है हमारे पास? एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन हमें दिखाना है इथेनॉल के साथ। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इट इज बेसिकली एन एल्कोहल। सो जनरल तौर पे अगर हम देखें, जनरली हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। तो जब ही कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें पता है क्या मिलेगा, एस्टर बनेगा, साथ क्या बनेगा, वाटर। So whenever carboxylic acid, any carboxylic acid, चाहे वो इथेनॉइक एसिड हो चाहे और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो जब ही कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है एल्कोहल के साथ, उस टाइम पे ये क्या बनाएगा, एस्टर। एक नया यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा एस्टर, साथ ही क्या बनेगा, वाटर। और इस रिएक्शन को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, देखिए क्योंकि प्रोडक्ट में हमें एस्टर मिल रहा है स्पेसिफिकली, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए हमारे पास क्या है, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड इज CH3-C OOH। किसके साथ रिएक्ट करेगा ये? इथेनॉल के साथ। इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इथेनॉल क्या है, C2H5OH। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली हमें मिलना क्या है, वाटर तो बनेगा ही,
राइट, वाटर तो बनना ही है. वाटर, वाटर मतलब HOH. तो यहां पे क्या होगा, जो एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड एच देगा और एक कंपाउंड क्या रिलीज करेगा, OH. एक कंपाउंड से H आएगा हमारे पास और एक कंपाउंड से क्या आएगा, OH. तो H और OH मिलके हमारे पास क्या बन जाते हैं, वॉटर, दैट इज H2O. बचा क्या, अभी देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो हमारे पास बचा CH3. देखिए इसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, तो ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड O और डैश O. ये देखिए, ये O भी बचा हुआ है अभी. अब देखिए, इस O के साथ H अटैच था, इस O के साथ क्या अटैच है, दोबारा से बनाएंगे स्ट्रक्चर. O है, O के साथ H अटैच है, और इधर भी क्या है, ये जो पूरा OH है, इट इज अटैच टू डैट ऑफ C2H5. अब ये बॉन्ड तोड़कर H तो चला गया, इधर से OH ने बॉन्ड ब्रेक करी और चला गया. यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनी हुई थी, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया इसलिए ये जो बॉन्ड है ये खाली हो गई ऑक्सीजन की. अब यहां से OH भी निकल गया, इन दोनों ने तो आपस में मिलके वाटर बना दिया. अब यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा हुआ था इस OH के साथ, अब वो तो अकेला रह गया है, तो इसलिए जो पूरा ग्रुप है C2H5, ये कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ. अब हमारे पास क्या बन गया, CH3COOC2H5. मतलब ये इस साइड पे भी हमारे पास कार्बन चेन है, इस साइड पे भी कार्बन चेन है. अल्काइल पार्ट क्या है, C2H5. C2H5 means इथाइल, और यहाँ पे भी क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O. तो यहाँ पे भी दो कार्बन है, तो इसलिए इथेनोएट हमारे पास क्या बन गया, इथाइल इथेनोएट. कैसे बना, जब हमने इथेनोइक एसिड में ऐड किया इथेनोल, तो बन क्या गया, इथाइल इथेनोएट. मतलब एक हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है एल्कोहल, बन क्या गया, एस्टर अलोंग विद वाटर. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. अभी आप सबसे पहले इसे नोट कर ले. यस, डन. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद एन एल्कली, एल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वी हैव डन. अब हम करेंगे इसका रिएक्शन विद एन एल्कली. एल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल बेस, जो बेस पानी में सॉल्यूबल हो, सच एज KOH, NaOH. ये क्या है हमारे पास, एल्कलीज हैं ये. तो इनका रिएक्शन देखेंगे. अब इथेनोइक एसिड CH3COOH रिएक्ट किसके साथ करवाएंगे, इसे एल्कली से विद NaOH. सो हियर वी आर टेकिंग द इथेनोइक एसिड और इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एल्कली, दैट इज NaOH के साथ. तो देखिए हमें क्या मिलता है. अब देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर जब भी एक कॉमन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका बनता है सॉल्ट. अगर हमारे पास कोई मिनरल एसिड है सच एज HCl, अगर वो यहाँ पर रिएक्ट करता है, इफ HCl रिएक्ट्स विद NaOH, तो क्या होगा, वाटर दैट इज HOH रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, NaCl.
यही है ना कि सॉल्ट बनेगा अलोंग विद वाटर, तो ये रिएक्शन भी ऐसा ही रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास एल्कली है, एल्कली से OH, क्योंकि आप कहेंगे OH ग्रुप तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये हमारा है इथेनोइक एसिड। एसिड है तो इसकी टेंडेंसी तो H पॉजिटिव रिलीज करने की है ना, तो यहां से हमारे पास इथेनोइक एसिड से ये H जाएगा, और जो हमारे पास एल्कली है विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कली है, बेस है, तो अगर ये बेस है तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, OH नेगेटिव रिलीज करने की। एसिड रिलीज करेगा H, बेस से आएगा OH, और H और OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। और हमारे पास क्या बचेगा, देखिए CH3 विल रिमेन एज सच, C डबल बॉन्ड O ये भी ऐसे रहेगा, लेकिन इस O के साथ पहले H था, अब इसके साथ आके क्या अटैच हो जाएगा, Na। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया CH3COONA, एच को रिप्लेस कर दिया एन ए, सो इट विल बी कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, दैट सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। बेसिकली मिला अभी भी हमें सॉल्ट एंड वाटर ही है, सो ये है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो सॉल्ट भी यहाँ पे हमें वैसा ही मिलेगा, तो क्या है ये, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, और इसे कहा जाता है क्योंकि देखिए इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो इसका जो कॉमन नेम हमारे पास पूरा सॉल्ट का नेम आता है, दैट इज सोडियम एसीटेट, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम एसीटेट। रीजन भी देख लीजिए इसका, क्यों इसे सोडियम एसीटेट कहते हैं, देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, हमें पता है ना कि इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, जब ये डिसोशिएट करेगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, CH3COO नेगेटिव अलोंग विद H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव तो OH नेगेटिव के साथ जाके वाटर बना चुका है, ये जो ऑयल है CH3COO नेगेटिव, इस ऑयल का नाम है एसीटेट ऑयल, इसे हम क्या कहते हैं, एसीटेट ऑयल। अब इस CH3COO नेगेटिव के साथ आके क्या अटैच हो गया, Na, तो नाम क्या आता है कंपाउंड का, सोडियम एसीटेट, क्योंकि ऑयल तो रहा नहीं, ऑयन कब होता है, जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जब Na पॉजिटिव इसके साथ आके जुड़ गया, इसका नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, तो कंपाउंड क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, तो यहां से आया है इसका नेम। तो ये है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद एन एल्कली। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, कि ये जो इथेनोइक एसिड है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। नॉर्मल एसिड्स जिस तरह से रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, ये भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जनरल रिएक्शन लिखेंगे। सो क्या है हमारे पास, When we have ethanoic acid और ये react कर रहा है metal carbonate के साथ, say any metal carbonate, तो ये क्या provide करेगा, साथ में salt तो कोई बनेगा ही, लेकिन CO2 जरूर produce होगी,
और वाटर भी जरूर बनेगा। तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं CH3COOH। रिएक्ट करवाते हैं इसे मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फॉर्मूला तो बनाना आता होगा, सोडियम Na+1 कार्बोनेट CO3 -2, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज रहता है, कार्बोनेट पे -2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Na2CO3। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट आ गया हमारे पास Na2CO3। अब देखिए क्या बनाना है इसे, वाटर, वाटर मीन्स H2O, लेकिन एसिटिक एसिड के पास तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो एक और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो यहां यूज होगा। सो अब देखिए सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। अब देखिए लिखने को तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम साइड पे देख लेते हैं कि हमारे पास Na2CO3 में क्या है, दो सोडियम के एटम्स हैं, एक कार्बन है और तीन ऑक्सीजन है। तो अगर हमें वाटर, वाटर फॉर्मेशन में क्या होगा, दो हाइड्रोजन तो यहां से यूज हो जाएंगे क्योंकि कार्बोनेट, कार्बोनेट के पास तीन ऑक्सीजन एटम हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम यूज हो जाएगा किसके फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, डेफिनेटली H2O तो आना ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ये मिलके क्या बनाएंगे, CO2। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में और क्या बचा, प्रोडक्ट में देखिए, अब देखिए हमारे पास बचता क्या है, ये हाइड्रोजन भी यूज हो गए, इधर से ऑक्सीजन भी गया, CO2 भी चला गया, बचा क्या, CH3COO, ये भी CH3COO बचा हुआ है, इधर से Na और ये दो Na एटम्स बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे H नेगेटिव जा चुका है, मतलब ऑक्सीजन अटैच था हाइड्रोजन के साथ, यहां से ऑक्सीजन की एक बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और इस एक बॉन्ड को यहाँ पे कंप्लीट कौन करेगा, सोडियम। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO, हाइड्रोजन तो जा चुका है, अब ऑक्सीजन के साथ आके कौन अटैच हो जाएगा, सोडियम, दैट इज Na। इसी तरह से दूसरे में होगा CH3COO, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन में इसे छोड़ के जा चुका है, इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या अटैच होगा, Na। तो हम इसे कलेक्टिवली देखो, दोनों सेम ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बन रहे हैं, CH3COONA, तो हम इन्हें कलेक्टिवली लिख सकते हैं एज 2CH3COONA विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हमारा रिएक्शन क्या है, अब रिएक्शन को अगर हमें कलेक्टिवली लिखना ही है तो यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं CH3COOH एंड CH3COOH, ये भी दो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं ना, तो हम हमारे रिएक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, वी हैव यूज टू मॉलिक्यूल्स, टू यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं, 2CH3COOH, रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, Na2CO3 के साथ, बन क्या रहा है, 2CH3COONA, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया और दो सोडियम यहां आकर फिट हो गए, साथ ही में क्या बना, CO2 एंड H2। तो ये था यहाँ पे रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट। इसी तरह से अगर मेटल बाइकार्बोनेट हो हमारे पास, मेटल बाइकार्बोनेट का यहाँ पे हम एक रिएक्शन कर लेते हैं। अब मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा इथेनॉइक एसिड के साथ, CH3COOH, ये क्या हो गया, इथेनॉइक एसिड,
ऐड क्या करेंगे इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaH, बाइकार्बोनेट है तो यहाँ H आएगा, HCO3 नेगेटिव, और इनको कहते हैं बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3। अब वाटर चाहिए, देखिए वाटर H2O, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, और ऑक्सीजन तो यहां से एक आ ही जाएगा, तो वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बचा क्या CH3COO, और H की जगह क्या आ जाएगा Na, CH3COONa। हमेशा याद रखिए कि जो हाइड्रोजन्स कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, द हाइड्रोजन्स अटैच टू कार्बन, कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं किए जाते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ये स्ट्रॉन्गली अटैच है एक दूसरे के साथ, एज कंपेयर टू कि जितनी अट्रैक्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत वीक है, इसलिए इसे ब्रेक करना इजी है, तो वाटर फॉर्मेशन में ये हाइड्रोजन यूज होगा। जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन एड यहाँ पे अटैच्ड हैं, ये वाटर की फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं होते, गलती से भी इन हाइड्रोजन्स को वाटर फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं करना है। तो हमेशा याद रखें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है यही वाटर फॉर्मेशन के लिए यूज होगा, जबकि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के केस में जो हमारे पास HCO3 नेगेटिव आयन है ये होता है बाइकार्बोनेट आयन, यहां से जो हाइड्रोजन है बाइकार्बोनेट का हाइड्रोजन जाता है यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो हाइड्रोजन है ये हम यूज नहीं करेंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फर्क रहता है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट एग्जाम्स में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस।